हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बावलस मंत्रा। तो मैंने जहाँ पे अपना प्रीवियस वीडियो ख़त्म किया था, ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और पिछले वीडियो में मैं पनीर की रेसिपी आप सबके लिए लेकर के आई थी, और मैंने कहा था कि आगे आने वाली वीडियो मेरी इसी पनीर से बनी हुई कोई रेसिपी होगी। तो जी हाँ, आज की मेरी रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मसाला। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसे पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घर पे पनीर बनाने की अगर आप रेसिपी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें। पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे करीब 250 ग्राम के जितना पनीर लिया है, उस पर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक डाल के इसे मैरिनेट करेंगे और करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हमें करीब 1 टेबल स्पून के जितना बेसन लेना है और उसे 1 मिनट तक भून लेना है ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। करी में हम बेसन भी डालने वाले हैं, तो बेसन दो काम करेगा, एक तो आपके पनीर मसाले का टेस्ट बढ़ा देगा और साथ में जो आपकी ग्रेवी है उसकी रिचनेस यानी कि उसको थोड़ा थिक भी कर देता है, तो बेसन डालना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच के जितना हम घी डालेंगे और उसके बाद जो हमने पनीर को मैरिनेट करके रखा हुआ है उसे हम शैलो फ्राई करेंगे। पनीर में एक अच्छी सी क्रिस्प सी कोटिंग आ चुकी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पनीर हमारा डन है, इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम तैयारी करेंगे करी की। तो मैंने यहाँ करीब 7 चम्मच के जितना घी लिया है, उसमें मैं 2 चम्मच के जितना बटर भी डालूंगी और साथ में डालूंगी 1 चम्मच के जितना ऑयल। ऑयल इसलिए ताकि बटर और घी बहुत जल्दी जल जाते हैं तो वो जले नहीं, इसको हम गर्म होने देंगे। तो घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, हमने डाल देना है यहाँ पे 1 चम्मच के जितना जीरा। जीरा हमें भून लेना है जब तक ये इसमें से चटकने की आवाज़ें ना आने लगे। तो जीरा हमारा भुन जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1 इंच के जितना दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग, 1 हरी इलायची, थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ तड़के में, और सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डालूंगी और इसे भी सॉफ्ट होने तक भून लूँगी। तो प्याज हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है, अभी हमें इसमें ऐड करना है करीब 1 टेबल स्पून के जितना लहसुन और अदरक कुटा हुआ। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पीसा नहीं है, बस क्रश किया है। और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बेसन भून के रखा हुआ था उसे भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच के जितना, 1 चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के जितना किचन किंग पाउडर, 1 चम्मच के जितना गरम मसाला और 2 से 2.5 चम्मच के जितना मैं डालूंगी धनिया पाउडर। और मसाले जल नहीं जाएं इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। हींग डालना बिल्कुल ना भूलें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पनीर मसाला में। थोड़ा सा और पानी डालेंगे और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, यही साइन होता है कि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसी स्टेज पे हमें 2 टमाटर क्रश किए हुए डाल देना है, आप टमाटर पीस भी सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर तीखा वाला, मिर्ची आप अपने हिसाब से। इसके पहले मैंने चिली पाउडर जो ऐड किया था वो कश्मीरी रेड चिली पाउडर था, वो तीखा नहीं होता,
तो मिर्ची आप अपने हिसाब से डालें और एक बार फिर से मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मसाले भून जाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए अपनी ग्रेवी की उस हिसाब से, तो उस हिसाब से मैंने करीब 1 से 1.5 गिलास के जितना पानी डाला है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और लिड लगा के इसे उबाल आने तक छोड़ देंगे। जैसे जैसे ये उबलेगा, इसमें बेसन पड़ा है, वैसे वैसे आपकी करी थोड़ी थिक हो जाएगी। करीब 10 से 15 मिनट के बाद देखेंगे तो आपको आपकी करी रेडी मिलेगी। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने ड्राई मसाले डाले थे, दालचीनी, तेजपत्ता, ये सब हमें हटा देना है क्योंकि इनका फ्लेवर करी में आ चुका है और सर्व करने के पहले इन्हें हमेशा निकाल देना चाहिए। और ये देखिए हमारी करी कितनी थिक हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पनीर जो हमने शैलो फ्राई करके रखा हुआ था। और ये लीजिए हमारा पनीर मसाला रेडी है, चटपटा सा, बहुत ही अच्छा लगता है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही अमेजिंग। इसके बाद मैं इसमें ऊपर से डालूंगी कसूरी मेथी, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कुछ लोग इसमें फ्रेश क्रीम भी डालते हैं, कुछ दही भी डालते हैं, आप जैसा पसंद करते हैं आप वैसा बना सकते हैं, मुझे ये ऐसे ही अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने गार्निश किया हरी धनिया और ग्रीन चिली के साथ। सो कैसी लगी आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।